हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मजेदार ट्रिक्स के माध्यम से राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को जानेंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्ट्स को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मजेदार ट्रिक्स के माध्यम से राजस्थान जीके के टॉपिक करवाए जाएंगे। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों को ट्रिक्स के माध्यम से शुरू करते हैं और देखते हैं इन चरणों को क्या क्या नाम दिए गए थे। आज की हमारी पहली ट्रिक है, मत्स्य पहले से वृहत फिर संयुक्त वृहत होकर राजस्थान को आधुनिक बनाया। आप इसको रिपीट कर सकते हैं, मत्स्य पहले से वृहत फिर संयुक्त वृहत होकर राजस्थान को आधुनिक बनाया। इस ट्रिक्स के माध्यम से राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों के नामों को देखते हैं। मत्स्य से मत्स्य संघ, पहले से पूर्वी राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान, वृहत से वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत से संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान संघ और आधुनिक से आधुनिक राजस्थान। अब राज प्रमुख और प्रधानमंत्री की ट्रिक देखते हैं। राज प्रमुख की ट्रिक है, उदय भी भोपाल मानो, यानी उदय से उदय भान सिंह जो धौलपुर के शासक थे, भी से भीम सिंह जो कोटा के शासक थे, भोपाल से महाराणा भोपाल सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, मानो से मानसिंह द्वितीय जो जयपुर के शासक थे। सवाई मानसिंह द्वितीय चौथे, पांचवें और छठे चरण में राजप्रमुख बने थे। प्रधानमंत्री की ट्रिक है, शोभा गोकुल में मणि हीरा, यानी शोभा से शोभा राम कुमावत, गोकुल से गोकुलाल सावा, मणि से माणिक्यलाल वर्मा और हीरा से हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री चौथे और पांचवें चरण में प्रधानमंत्री और छठे चरण में मुख्यमंत्री बने थे। अब देखते हैं राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण को, जिसका नाम था मत्स्य संघ। इसकी ट्रिक है, अभी का धोनी, यानी इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना जो कि एक ठिकाना था, ये अलवर में था, इनको मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी और इसकी राजधानी रखा गया था अलवर को। इसके राज प्रमुख थे उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। पहले चरण का उद्घाटन वीएन गोडगिल ने किया था। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान संघ की स्थापना की गई थी और इसकी ट्रिक है, बाबू शाह के झाड़ू को पटा कर लाया, यानी बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, शाह से शाहपुरा, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प से प्रतापगढ़, टा से टोंक, कर से कुशलगढ़ ठिकाना और लाया से लावा ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में और लावा ठिकाना टोंक में था। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई थी और इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया था। पूर्वी राजस्थान संघ के राजप्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था और इसके प्रधानमंत्री थे गोकुलाल असावा और इसका उद्घाटन भी वीएन गोडगिल ने किया था। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई थी और इसमें पूर्वी राजस्थान संघ ने मेवाड़ को शामिल किया गया था। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को की गई थी और उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। इसके राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चौथे चरण में वृहत राजस्थान की स्थापना की गई थी और वृहत राजस्थान की स्थापना संयुक्त राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल करके किया गया था। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी जयपुर को रखा गया और इसके राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय और इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था और इसका उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था। पांचवें चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान की स्थापना की गई थी और वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। इसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई थी और इसकी राजधानी जयपुर को ही रखा गया था। इसके भी राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय थे और प्रधानमंत्री भी हीरालाल शास्त्री थे। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। छठे चरण में राजस्थान संघ की स्थापना की गई और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी भी जयपुर को ही रखा गया। छठे चरण में सिरोही को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था, हालांकि आबू दिलवाड़ा को अलग रखा गया था। इसके भी राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय थे, हालांकि प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर मुख्यमंत्री का पद कर दिया गया था और इसके मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था।
सातवें और अंतिम चरण में आधुनिक राजस्थान की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सातवें चरण में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा और सिरोही के आबू दिलवाड़ा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनेर टप्पा राजस्थान में शामिल किया गया और साथ ही कोटा से सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इसी सातवें चरण में राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद शुरू किया गया था और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। इस सातवें चरण में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की जो श्रेणियां थी वो भी समाप्त कर दी गई थी। अब देखते हैं राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। इस एकीकरण की प्रक्रिया में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। आजादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने यानी लावा जो टोंक में था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, नीमराणा जो अलवर में था, इसके अलावा 1 केंद्रशासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान के एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ और सबसे नई रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई थी झालावाड़ थी। शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे अंत में शामिल होने वाली रियासत सिरोही थी। सिरोही के आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष फैजल अली थे, की सिफारिशों पर राजस्थान में शामिल किया गया था। शाहपुरा ऐसी रियासत थी जिसके राजा सुदर्शन देव ने गोकुलाल असावा के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कर पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। मत्स्य संघ की 2 रियासतें धौलपुर व भरतपुर भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल किया गया था। बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने और षड्यंत्रकारियों को शरण देने के आरोप में अलवर के महाराजा तेज सिंह और उनके प्रधानमंत्री डॉक्टर खरे को 7 फरवरी 1948 को जांच पूरी होने तक दिल्ली में रहने के आदेश दिए थे। इसके बाद अलवर का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। समाजवादी दल के नेता जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को जल्दी से जल्दी वृहत राजस्थान के निर्माण की मांग की थी। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना व भोपाल नवाब के कहने पर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। भारत सरकार द्वारा गठित डॉक्टर पी सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को राजधानी, जोधपुर में उच्च न्यायालय, भरतपुर में कृषि विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग और बीकानेर में शिक्षा विभाग बनाने का निर्णय लिया था। एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोटा के महाराज भीम सिंह ने कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर हड़ौती संघ और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ को मिलाकर बांगड़ संघ बनाने का विफल प्रयास किया था। रियासती विभाग के नियमों के अनुसार जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वही रियासत स्वतंत्र रह सकती थी। इस दृष्टिकोण से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र रह सकती थी। मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ के किले में हुआ था और इसका नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने दिया था। फैजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर कोटा का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के मंदसौर का सुनेर टप्पा राजस्थान में शामिल किया गया था। वर्तमान में सुनेर टप्पा झालावाड़ में है। 1 नवंबर 1956 में फैजल अली की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। हीरालाल शास्त्री का पदनाम 7 अप्रैल 1949 से 25 जनवरी 1950 तक प्रधानमंत्री और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद इस पद का नाम मुख्यमंत्री कर दिया गया था। राजस्थान में 3 मार्च 1950 में आम चुनाव होने के बाद पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को चुना गया था। अब अंत में देखते हैं आजादी के समय राजस्थान की रियासतें और उनके शासकों के नाम। अलवर के शासक महाराजा तेज सिंह, भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, करौली के महाराज गणेश पाल देव, कोटा के महाराज भीम सिंह, बूंदी के महारावल बहादुर सिंह, झालावाड़ के महाराजा हरिचंद्र बहादुर, बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह हैं, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह हैं, प्रतापगढ़ के महारावल अंबिका प्रताप सिंह हैं, शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव, जैसलमेर के महाराजा रघुनाथ सिंह बहादुर, किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह हैं, बीकानेर के महाराजा सादुर सिंह हैं, टोंक के नवाब अजीज उदौला,
सिरोही के महाराव अभय सिंह हैं, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह हैं, जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय, जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह हैं। इसके अलावा नीमराना ठिकाने में राजा राजेंद्र सिंह हैं, लावा ठिकाने में ठाकुर वंश प्रदीप सिंह हैं, कुशलगढ़ में राव हरेंद्र कुमार सिंह हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मजेदार ट्रिक्स के माध्यम से राजस्थान जीके के टॉपिक करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।